जब भगवान गोरा नहीं बनाए तो मोबाइल क्या बनाएगा? ये सब ठीक है। देखिए ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि उतना नहीं करो, मतलब देखने वाले को भी ना ओरिजिनल फील होना चाहिए, नहीं कि हम ही पढ़ा रहे हैं, इन्हें कि सामने बैठा तो पसंद भी नहीं करे, तो उतना फिल्टर नहीं। तो देखिए ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि का मतलब है कि ट्रांजिस्टर में धारा कैसे प्रवाहित होगा। तो ट्रांजिस्टर हमारे पास दो ट्रांजिस्टर है, एक है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक है पीएनपी ट्रांजिस्टर। थोड़ा ध्यान देना, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर दो तरह के ट्रांजिस्टर है, और इन दोनों ट्रांजिस्टर में तीन जगह पॉइंट है जोड़ने के लिए। बनाया गया था कल तीन जगह, यहां पर फिर से एक बार बना देते हैं, एक बार एनपीएन बनाते हैं और एक बार पीएनपी। गुंजन खड़ा हो जाओ, जल्दी खड़ा हो जाओ। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका होता है? हम तो ये भी नहीं बताए कि एनपीएन बना रहे हैं पीएनपी बना रहे हैं। उत्सर्जक आधार और संग्राहक में किसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, कौन किसको बड़ा बनाना है? उत्सर्जक आधार और संग्राहक में, संग्राहक का लोड ले रहा है अब। चलो ठीक है, ये संग्राहक हो गया और बीच में हम आधार बना दिए, इधर उत्सर्जक बना दिए। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आपका पहला वाला, अब इसको एनपीएन मान सकते हैं, एनपीएन कुछ भी है, ये आपका संग्राहक है। तीसरा नंबर वाला क्या होगा? संग्राहक, बीच वाला हो गया आधार और ये हो गया उत्सर्जक, उत्सर्जक हो गया। अब इसको जोड़ना है तो यहां से एक पॉइंट निकलेगा, एक पॉइंट यहां से निकलेगा ना, और एक पॉइंट इधर निकलेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए देखा जाए अगर तो क्षेत्रफल में यहां भी उत्सर्जक ही बड़ा होता है। संग्राहक ही बड़ा होता है, और यहाँ बीच वाला जो आधार होता है वो सबसे पतला होता है। तो ये वाला हो गया आपका, कहाँ गलत हो रहा है जी, प्रभाव फिर पड़ रहा है क्या? संग्राहक, उत्सर्जक और इधर हो गया आधार, फिर यहाँ भी तीन पॉइंट निकलेंगे जोड़ने के लिए, एक यहाँ निकलेगा, ये आपका हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब इसमें कितने सेल चाहिए हमको जोड़ने के लिए, मतलब कितना सेल चाहिए, बैटरी कितना लगेगा? दो जगह लगेगा, क्योंकि हमको एक यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, देख रहे हैं, यहाँ जोड़ना पड़ेगा और एक हमको यहाँ बीच में जोड़ना पड़ेगा। दो जगह होगा ना, तब ना इसमें धारा बहेगा। तो ध्यान देना कि जब भी उत्सर्जक और आधार को जोड़ते हैं हमेशा के लिए, पीएन संधि वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना कि एक बार अग्र में जोड़ दें एक बार उत्क्रम में जोड़ दें, ऐसा नहीं। जब भी संयोजन करते हैं तो एकदम ध्यान रखना, उत्सर्जक और आधार के बीच में जो कनेक्शन होगा वो अग्र अभिनत में होगा, अग्र अभिनत में होगा। उत्सर्जक और आधार के बीच में जो भी कनेक्शन होगा, जो जोड़ा जाएगा, यहाँ पर हमेशा अग्र अभिनत में होगा। यहाँ भी वही चीज होगा, उत्सर्जक और आधार को कहाँ जोड़ेंगे? अग्र अभिनत में जोड़ेंगे, और आधार और संग्राहक को जब जोड़ना होगा तो उत्क्रम अभिनत में जोड़ेंगे। आधार और संग्राहक को जोड़ना होगा तो कहाँ जोड़ेंगे? उत्क्रम अभिनत माने पश्च अभिनत में। तो ये चीज जरूर ध्यान देना, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा है, उत्सर्जक आधार, जो उत्सर्जक आधार का संयोजन होता है
वो होता है अग्र अभिनत में, अग्र अभिनति भी लिखते हैं, अभिनत भी लिखते हैं, चूंकि छोटे के मंत्र है इसीलिए अभिनत पढ़ते हैं। तो उत्सर्जक आधार जुड़ता है किसमें? अग्र में। और आधार और संग्राहक किसमें जुड़ेगा? आधार संग्राहक, आधार संग्राहक जुड़ेगा उत्क्रम या पश, एक ही बात है, उत्क्रम अभिनत में। याद रहेगा उत्सर्जक और आधार किस में रखना है? अग्र में। आधार संग्राहक किस में रखना है? उत्क्रम में। एक चीज और ध्यान देना, जब अग्र अभिनत में जोड़ते हैं ना, तो यहां पर जो है जो वोल्टेज होता है वो थोड़ा सा कम रखा जाता है उत्क्रम की तुलना में। मतलब दो बैटरी लगाएंगे ना, तो चाहे दो से लगाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज थोड़ा सा कम रखा जाता है, यहाँ को थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर जोड़ना चाहें तो एक सेल जोड़ रहे हैं, यहाँ दो या तीन जोड़ दीजिए, थोड़ा सा उत्क्रम वाला ज्यादा होना चाहिए। तो इसको रखना है अग्र में, यहाँ पर कौन सा होगा? अग्र। इसमें कौन होगा? उत्क्रम होगा या पश, उसी को बोलते हैं। तो ये आपका एन टाइप वाला क्षेत्र है और ये पी टाइप वाला क्षेत्र है, मतलब पीएन संधि बन रहा है यहाँ पर। तो उत्क्रम में रखने के लिए एन को किससे जोड़ना पड़ता है? माइनस से। पी वाला प्लस से, एन वाला माइनस से, तो हो गया माइनस, और इधर ले से क्या हो गया? प्लस। ये अग्र में हो गया। लेकिन जब उत्क्रम में रखना होता है ना, तो एन से प्लस को जोड़ा जाता है। एन से किसको जोड़ते हैं? उल्टा से जोड़ देते हैं, मतलब प्लस से। ये प्लस हो गया, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक क्या हो गया, थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर हमने कितना सेल जोड़ दिया? दो सेल जोड़ दिया। ये संयोजन हो गया। अब इसमें बंटवारा मत करना कि अग्र अभिनत में है कि उत्क्रम अभिनत में है। हमेशा ट्रांजिस्टर को जोड़ते हैं तो उत्सर्जक और आधार को अग्र अभिनत में रखा जाता है, और आधार और संग्राहक को पश में रखा जाता है, उत्क्रम में रखा जाता है। लेकिन थोड़ा पीएन संधि में अलग नहीं था? पीएन संधि में एक बार जोड़े थे अग्र अभिनत में, एक बार जोड़े थे उत्क्रम में जोड़े थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां ये ध्यान देना है कि उत्सर्जक और आधार अग्र में होना चाहिए और आधार और संग्राहक उत्क्रम में होना चाहिए, ये ध्यान देना है। यहां भी अगर जोड़ेंगे आप तो पी टाइप है ना, तो पी टाइप प्लस से जुड़ता है और एन टाइप किससे? तब नहीं अग्र में होगा। अब ये हो गया अग्र में, और यहां अगर बैटरी जोड़ेंगे तो ये उत्क्रम में होना चाहिए, तो पी वाला आप देखिए माइनस में, माइनस में जुड़ेगा, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, और फिर एक प्लस। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस। अब ठीक है, तो ये है ट्रांजिस्टर का संयोजन। संयोजन सबको ढंग आना चाहिए, और संयोजन जब सही से करेंगे तब जाके समझ में आएगा कि धारा कब किधर से किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, कोटर किधर से किधर जाएगा, ये तब समझ में आएगा। तो संयोजन में पहले कोई समस्या हो तो बता दो। दो बार मतलब? ये तो बाद का प्रश्न हो गया, हम क्या पूछ रहे हैं उसको समझो ना। तुम ये दिमाग में रखो कि उत्सर्जक और आधार को अग्र में रखा गया है, आधार संग्राहक को उत्क्रम में रखा गया है। जब हम धारा प्रवाहित कराएंगे ना, वहां तुमको खुद अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि है क्यों उत्क्रम में रखा गया है। बात समझ आ रहा है? है उत्क्रम में रखने का कोई ना कोई कारण होगा ना, ये कारण हम अभी बताएंगे। जब इसमें धारा प्रवाह कराया जाएगा ना, तो खुद समझ में आने लगे कि उत्क्रम में क्यों रखा गया है, इसका कारण है उत्क्रम में रखने का। लेकिन अभी दो चीज याद रखो, उत्सर्जक आधार अग्र अभिनत में, आधार संग्राहक उत्क्रम अभिनत में, और दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर में ऐसे ही जोड़ेंगे, चाहे वो पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, उससे कोई खास मतलब नहीं है। एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, हमेशा जो पहले दोनों खंड होंगे, उत्सर्जक आधार अग्र अभिनत में और दूसरे बाकी जो दोनों खंड होंगे आधार और संग्राहक, ये उत्क्रम में, क्यों ऐसा रखा जाता है इसका जवाब अभी मिलेगा तुमको। पहले इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए,
उसके बाद से हम बताते हैं क्या होगा। हाँ, इसका कारण है कि क्यों उत्क्रम में रखा जाता है, बात समझ रहे हैं, इसका कारण है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पीएन संधि में जब धारा प्रवाहित कराया गया था ना, तो अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित हुआ था, उत्क्रम में धारा प्रवाहित नहीं हुआ था। तो जब हम अग्र में रखेंगे तभी तो धारा प्रवाह शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर पीएन संधि है, ध्यान देना। अगर इस तीसरे खंड को छोड़ दें तो पीएन संधि ही तो है, तो पीएन संधि में धारा प्रवाहित करना है तो हमको हर हाल में उसको अग्र में रखना पड़ेगा। ये तो समझ में आ रहा है कि पहला वाला अग्र में क्यों होगा, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हमको हर हाल में करना है। दूसरा उत्क्रम में क्यों होगा, ये भी क्लियर हो जाएगा अभी भी। अगर धारा प्रवाहित होगा तो क्यों उत्क्रम में रखेंगे, क्लियर हो जाएगा। और वहां हम अगर ये पूछें कि अब काहे ने इसको अगर में रखे, तो फिर तुम लोग कहोगे इस कारण से इसको अगर में नहीं रखा गया, क्योंकि वहां तुमको जवाब मिल चुका रहेगा। हाँ, इसका एक उत्तर ये है कि अगर अग्र में नहीं रखेंगे तो धारा प्रवाह शुरू ही नहीं होगा, इसलिए इसको क्या रखते हैं, अग्र में रखते हैं। चलिए अगला हेडिंग है एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि, बता रहे हैं, लिख लें थोड़ा। एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि। एक चित्र यहां बना देते हैं, पहले थोड़ा बड़ा बनाते हैं कि तुम लोगों को बढ़िया से दिखेगा, देखने में समस्या नहीं ना किसी को, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब मोतियाबिंद। थोड़ा बड़ा जानबूझ के बना रहे हैं। बात नहीं करो, एनपीएन है ना, तो इसको उत्सर्जक में है ये बीच वाला आधार, और ये हो गया संग्राहक। संग्राहक जानबूझ के बड़ा बनाया है, तुम लोग को समझ में आएगा अभी। एन पी एन, अब इसमें जोड़ने का जो तरीका है, जोड़ने का तरीका विशेष ध्यान देना कि उत्सर्जक और आधार को अग्र अभिनत में रखा जाता है, तो अग्र अभिनत में रखने का मतलब यह हुआ कि एन टाइप क्रिस्टल को माइनस से जोड़ा जाता है और पी टाइप को प्लस से, तो ये हो गया इसका अग्र अभिनत में, ये हो गया आपका अग्र अभिनत, ठीक है। दूसरा जो है इसको रखते हैं उत्क्रम में, तो जब इसको उत्क्रम में रखा जाता है तो उत्क्रम के लिए ध्यान देना कि भाई एन टाइप ना है, तो एन टाइप को उत्क्रम में रखने का मतलब कि इसके विपरीत वाले के साथ जुड़ना है, तो एन टाइप में निगेटिव होता है, इसमें ये प्लस से जुड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस। थोड़ा सा इसके तुलना में, यहां की तुलना में यहां का विभव क्या होता है, ज्यादा होता है उत्क्रम में, उत्क्रम अभिनत, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि हम इसको अग्र में ही क्यों जोड़ते हैं,
तो यहां पर ध्यान देना कि ये पी टाइप क्रिस्टल है और ये एन टाइप। तो अगर इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए संग्राहक को, तो पी और एन, पीएन संधि है ना, और पीएन संधि में धारा तभी बहता है जब वो अग्रविनत में होता है, इसलिए जरूरी है कि पहला वाला जो जोड़ने का प्रोसेस हो वो किसमें हो, अग्र अभिनत में हो। अब दूसरा वाला भी निकल कर आएगा सामने कि क्यों ऐसा होता है, उत्क्रम में क्यों जोड़ते हैं। अब यहां पर देख लीजिए जो उत्सर्जक है वो एन टाइप है, और एन टाइप में बहुसंख्यक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होंगे। ज्यादा मात्रा में इसलिए होंगे क्योंकि इसमें ना अशुद्धि ज्यादा मिलाया गया है। कल बताए थे कि उत्सर्जक में ज्यादा अशुद्धि मिलाए रहते हैं, तो जितना ज्यादा अशुद्धि मिलाएंगे उतना ज्यादा इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम ऐसे गाढ़े लाइन से दिखा, डॉट से दिखा देते हैं, और क्वार्टर को दिखाएंगे थोड़ा सा खाली बीच में छोड़ दिया जाएगा। तो ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि भारी मात्रा में उपस्थित है, किसमें, उत्सर्जक में। अच्छा, उत्सर्जक तो उत्सर्जित करने वाला ना होता है, तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी ना उत्सर्जित करेगा। ये सब उत्सर्जक है, उत्सर्जक नहीं इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से अगर कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और ऐसे दिख रहा है तो ये आपका क्वार्टर है, इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर। ये पी टाइप है, तो पी टाइप में तो क्वार्टर होंगे ज्यादा मात्रा में, इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होंगे, क्वार्टर होंगे। बात नहीं करो, ऐसे भुनभुना रहे वो बैठ कर, ज्यादा कहाँ लोग पता, अरे तो पतला लेयर है ना, तो पतला लेयर में कम ही रहेंगे, लेकिन वो ज्यादा होते हैं अपने क्षेत्र में। अब कितना बना, एक करोड़ बना दे मैं, समझो ना इसको, मेन चीज हम जो समझाना चाहते उसको समझो। चलो ये देखो, ये और संग्राहक में फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन एक चीज और देखना कि इससे ज्यादा नहीं होगा यहां पर। अच्छा, ये भी एन टाइप है, ये भी एन टाइप है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी क्योंकि इसको उत्सर्जित करना है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन तो होंगे लेकिन थोड़ी सी मात्रा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसमें अशुद्धि थोड़ा सा कम मिलाए हैं, इसको ग्रहण करना है ना, इसके पास क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए, तो यहां पर थोड़ा हम बना देते हैं लेकिन कम बनाएंगे। ये मत कहना कि फिर नवयुग होता है, तुम लोग भावनाओं को समझो, समझे। ठीक है, मतलब इसमें होंगे, थोड़ा जगह खाली दिखाना है, इसमें थोड़ा सा जगह ज्यादा दिखाना हमको। तो ये हो गया उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि इस जो उत्सर्जक है इसमें तो केवल ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अल्प मात्रा में इसमें क्वार्टर भी मौजूद है, अल्प मात्रा में है। ये आधार है, इसमें ज्यादा मात्रा में क्वार्टर है लेकिन अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी है। अल्प मात्रा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। संग्राहक में भी थोड़ा सा इसकी तुलना में कम है, लेकिन फिर भी इसकी तुलना में तो ज्यादा है। तो यहाँ जो जो आपका आवेशवाहक है, बहुसंख्यक आवेशवाहक, वो इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन कम मात्रा में क्वार्टर भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया गया किसमें, जो उत्सर्जक आधार है अग्र अभिनत में है, और आधार संग्राहक उत्क्रम अभिनत में है, माइनस और प्लस। पहले इधर समझते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस होगा। जैसे ही ये बैटरी के माइनस से जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से कहां जाएगा, आधार की ओर जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला है, माइनस के तरफ से जुड़ा है। तो बैटरी में जब धारा प्रवाहित होता है वास्तव में, तो बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और हर हाल में उसको धन सिरे से इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करना होता है। अगर मान लीजिए कि इस बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन निकला और धन सिरे से एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, तो बैटरी में धारा, बैटरी धारा प्रवाहित कराएगा। अगर यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसी भी कारणवश अगर इसमें नहीं पहुंच पाता है, तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, परिपथ हमारा पूरा ही नहीं होगा। तो यहां से जब जैसे ही इसको जोड़ेंगे माइनस से ना, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल के यहां पर पहुंच चुका है,
यहाँ एकदम बैठा हुआ है धरना देने के लिए, बस जगह खाली नहीं है उधर, इसलिए वहीं पर बैठा हुआ है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित है, तो प्रतिकर्षण बल तो लगाएगा, और प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, आधार की तरफ जाना चाहेगा। तो जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है ये सब कहाँ जाना चाहेंगे, आधार के तरफ जाना चाहेंगे। इनकी प्रबल इच्छा होगी कि कहाँ चल जाए, आधार के तरफ चल जाए। परीक्षा में अगर पूछेगा चित्र बनाना तो बढ़िया बनाना, ताकि तीन घंटा में नहीं बनाना, तीन घंटा में लगेगा, पांच मिनट में चित्र बन जाएगा बढ़िया। सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, आधार के तरफ। अब ध्यान सुनो, इस अभी हम केवल यहाँ की बात कर रहे हैं, आधार में क्या है, क्वार्टर है, तो इसमें चूंकि संख्या कम न है, लेयर पतला है, तो जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो इसके क्वार्टर से जुड़ेंगे, आ क्वार्टर से जुड़ के क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। लेकिन क्या सब उदासीन हो पाएगा, नहीं, तो कुछ मुश्किल से 4-5% मान के चलिए, मैक्सिमम 5% जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्वार्टर से जुड़ जाते हैं, माने संयुक्त हो जाते हैं और उदासीन हो जाते हैं, और बाकी सभी इलेक्ट्रॉन इस आधार को पार करके कहाँ आ जाते हैं, संग्राहक में। मतलब इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन क्वार्टर से संयुक्त हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, और शेष इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगते हैं, संग्राहक में। हम पहले से ही बता चुके हैं कि जो आधार वाला होता है ना वो काफ़ी पतला होता है, पतला होता है तो उसको पार करना क्या हो जाएगा, आसान रहता है, तो इसको आराम से क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। अब इसमें दो घटनाएं हो रही हैं, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जब इस क्वार्टर से संयुक्त हो रहा है ना, तो क्वार्टर का एक स्थान खाली हो जा रहा है, क्वार्टर का एक स्थान क्या हो रहा है, खाली हो जा रहा है। अब क्वार्टर का जैसे एक स्थान खाली होता है, क्वार्टर का जैसे एक स्थान, मान लीजिए कि एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ संयुक्त हो जाएगा, तो उदासीन हो गया एक दूसरे से को लेकर के, तो इसका तो स्थान खाली हो गया, तो उस स्थान को भरने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि एक बंध टूटता है, पी टाइप जो आपका क्रिस्टल है, पी टाइप, इसमें से एक सहसंयोजक बंध टूटता है, और सहसंयोजक बंध टूटता है तो वहाँ पर एक क्वार्टर और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन जाता है संग्राहक की तरफ। मतलब कि उत्सर्जक वाला भी इलेक्ट्रॉन संग्राहक की तरफ ही जा रहा है, और जो यहाँ का टूटा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ जा रहा है, संग्राहक की तरफ ही जा रहा है। अरे देखो मिस्टेक हो रहा है, नहीं, संग्राहक की तरफ नहीं जाएगा, क्वार्टर का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो नीचे आएगा, कहाँ आएगा, क्वार्टर का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे, और उत्सर्जक का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, संग्राहक में। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था हमको, उत्सर्जक का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, संग्राहक में, और जो इलेक्ट्रॉन इसको जाके उदासीन किया है तो उसका जो जगह खाली है उस जगह को भरने के लिए फिर से एक बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, टूटेगा तो एक क्वार्टर और एक इलेक्ट्रॉन वहां पर उत्पन्न होगा, तो क्वार्टर वहां रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब नीचे आएगा तो वैसे जैसे ये जो क्वार्टर है ना ये धन आवेश से जुड़ा हुआ है, तो जाना चाहेगा इधर, बात समझ रहे हैं, इधर जाना चाहेगा, लेकिन तब तक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच चुका रहेगा, तो ये एक दूसरे से मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, और यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के चला आएगा इधर। तो जैसे ही इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसके एक क्वार्टर से जुड़ा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक क्वार्टर से जुड़ा, तो इधर से इसमें से इलेक्ट्रॉन का जगह कम हो गया, खाली हो गया, अरे कुछ चल गया उधर और कुछ यहाँ पर क्या हो गया, जुड़ गया, तो जब ये इधर से पार करके उधर जाएंगे तो उधर का इलेक्ट्रॉन का जगह खाली होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है आकर के बैटरी के ऋण सिरे से, ये तुरंत इसका जगह पकड़ लेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, और यहाँ से जो बंध टूट रहा है ना उसमें का क्वार्टर इलेक्ट्रॉन को उदासीन कर रहा है, इधर से आ रहा है, तो खुद का इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, नीचे आकर के प्लस वाले सिरे में जुड़ जा रहा है। तो बैटरी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ भी रहा है, इसका मतलब यहाँ तो परिपथ पूरा हो जा रहा है और यहाँ धारा बहेगा। यही तो हुआ था पीएन संधि में, पीएन संधि में अगर अवनत में तो धारा बहता ही है, ठीक है, यहाँ पर धारा बह गया, अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया यहाँ पर, यहाँ धारा बहेगा, ध्यान देना, यहाँ पर धारा बहता है, इलेक्ट्रॉन है क्वार्टर से मिलकर उदासीन हो जा रहे, फिर इसमें कैसे आ जाएगा,
सब इलेक्ट्रॉन थोड़ी उदासीन हो रहे हैं, 5% बस हो रहे हैं, प्रोटॉन वहां पर फिर उत्पन्न हो रहा है ना, हाँ, टूट रहा है तो, हाँ, तो फिर उससे नहीं उदासीन हो जाएगा। अरे तो 5% को ना, इसकी संख्या तो देख लो कितना है भाई, बनाए हैं तो कुछ अंतर नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्वार्टर क्या है, तो जितना रहेगा उतना ही ना उदासीन करेगा, जब ये उदासीन करेगा तभी बंध टूटेगा। तो क्वार्टर तो उस इलेक्ट्रॉन का स्थान लेगा, जैसे मान लो एक ही बार 100 इलेक्ट्रॉन चला, इधर 10 गो क्वार्टर है, तो 10 गो को ना उदासीन करेगा, बाकी 90 गो तो पार कर जाएगा संग्राहक में, फिर बंध टूटेगा तो क्वार्टर उत्पन्न नहीं, तो बाकी और इलेक्ट्रॉन इधर नहीं है, फिर उदासीन करेगा, तो नहीं नहीं, अरे क्या बात करते हो गजब, यहाँ पर आधार में क्वार्टर कम है, उत्सर्जक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो सबको नहीं ना उदासीन कर देगा, कुछ को उदासीन करेगा और बाकी कहाँ चल जाएंगे, आगे चल जाएंगे, सबको नहीं उदासीन करेगा, कुछ उदासीन करेगा। क्या लग रहा है, इतना ज्यादा है इधर कम है, साउथ वाले थोड़ी है कि सब मार देगा इसको, जितना है उतने मारेंगे, हम बता रहे हैं 5% संख्या, चूंकि इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, क्वार्टर की क्या है, तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन एक ही बार जब आना शुरू करेंगे तो क्वार्टर कुछ इलेक्ट्रॉनों को उदासीन करेगा और कुछ कहाँ चल जाएंगे, चल जाएंगे। जब ये उदासीन होगा, मान लो कि एक साथ 100 गो आए, ठीक है, एक साथ 100 इलेक्ट्रॉन आए, 10 क्वार्टर है, तो 10 को ना उदासीन करेगा, 90 को तो पार हो गए, अब जब 10 उदासीन हो गए तो फिर 10 को नया बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से 10 नए क्वार्टर बनेंगे, तो फिर आगे वाले 10 को ना वो उदासीन करेगा, 90 को तो हर हाल में पार कर ही जाएगा यहाँ से। तो चूंकि ये बहुसंख्यक आवेश है, बहुसंख्यक आवेश, और यहाँ भी ये बहुसंख्यक है लेकिन इसकी संख्या क्या है, कम है, तो कुछ उदासीन होंगे और बाकी यहाँ पर आ जाएंगे। और जब ये क्वार्टर उदासीन करेगा ना, तो यहाँ का बंध टूटेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे प्लस पे आ जाएगा, और क्वार्टर फिर क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर बार बार क्या होती है, चलती रहती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं ना, तो वहाँ का जो जगह बचता है वो बैटरी के ऋण सिरे से जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वहाँ जाके ग्रहण कर लेता है, तो बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है, जा रहा है, और यहाँ से फिर इसको मिल जा रहा है, क्योंकि बंद टूट रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है ना, क्या इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, नहीं जाएगा, इधर माइनस है तो जाने कोई मतलब ही नहीं है, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, इधर इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं जाएगा इसमें, नहीं जाएगा, ये बैटरी से यहाँ जुड़ा है ना, तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन का परिपथ पूरा हो जा रहा है, तो धारा बहेगा, अच्छा धारा किधर बहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ना, तो धारा जो बहेगा वो इधर बहेगा, आई धारा की दिशा यह होगी, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है, धारा कहाँ बहेगा, ऊपर की तरफ बहेगा, धारा कहाँ बहेगा, ऊपर की तरफ बहेगा। अब दूसरे वाले हिस्से को समझते हैं, दूसरे वाले हिस्से में क्या है, उत्क्रम अभिनत में है, तो जब ये सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो बताइए हमारा तो परिपथ ये पूरा है ना, तो इसमें धारा तो तब बहेगा ना जब इधर से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वो निकल के और इधर से प्रवेश कर जाए तब ना धारा बहेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ पर जाके रुक गया, इलेक्ट्रॉन आगे गया ही नहीं, तो परिपथ कहाँ पूरा हुआ, हमको धारा केवल इसमें थोड़ी बहाना है, वो तो हम अलग अलग समझ रहे हैं कि पहले यहाँ पर समझ लेते हैं फिर यहाँ समझते हैं, तो यहाँ धारा बह चुका है, अब धारा यहाँ बहना चाहिए ना, तो धारा यहाँ तभी ना बहेगा जब यहाँ से चला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवेश किया, अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बैटरी में आना चाहिए। ध्यान से देखो, माइनस से इलेक्ट्रॉन चला है और माइनस के इलेक्ट्रॉन को हर हाल में प्लस में पहुंचना होता है, तभी ना धारा बहेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जब इसमें पहुंच चुका है, तो वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, चूंकि उत्क्रम अभिनत में जोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन सब कैसे हैं, निगेटिव है, और ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन किससे जुड़े हैं, देखिए प्लस से, तो प्लस वाला आराम से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपने तरफ आकर्षित करेगा और आकर के इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाएंगे, इस तरह परिपथ पूरा हो जाएगा, धारा बहेगा। अब बताओ कि अगर ये अग्र अभिनत में होता तो क्या इलेक्ट्रॉन इसमें आ पाता, नहीं आ पाता, इसी में रह जाता। अगर का मतलब क्या है कि भाई माइनस होता, ये क्या होता, तो जब ये माइनस होता तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता, नहीं खींचता, तब तो हमारा परिपथ ही नहीं पूरा हो पाता, इसलिए धारा नहीं बह पाता। इसलिए ये जरूरी है कि बाद वाला हर हाल में क्या हो, उत्क्रम अभिनत में हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा और धारा बहेगा।
और संज्ञा रहे उत्क्रम में क्यों रखा जा रहा है। अगर इसको अग्र में रख देंगे तो धारा कहाँ बहेगा? नहीं बहेगा। हाँ, ये अग्र में होना जरूरी है, क्योंकि ये अग्र में होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को भेज पाएगा। अगर मान लो इसी को उत्क्रम में कर दिए, इसको क्या कर दिए उत्क्रम में, तब तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा इधर, कहाँ जा पाएगा? उधर। संधि को पार नहीं कर पाएगा, जो आधार है उसको कहाँ पार कर पाएगा? और आधार को पार नहीं कर पाएगा तो फिर धारा कैसे बहेगा? इसलिए जो फर्स्ट वाला दो भाग है उत्सर्जक आधार, ये अग्र में होना चाहिए। तो अग्र में होगा तो इलेक्ट्रॉन को भेजेगा उधर, कुछ इलेक्ट्रॉन आधार के कोटर से क्या होंगे, उदासीन होंगे, और बाकी कहाँ चल जाएंगे? संग्राहक में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आधार के कोटर से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, आधार जो होता है पी टाइप क्रिस्टल, इसमें से एक सहसंयोजक बंध टूटता है, और सहसंयोजक बंध टूटता है तो एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन चलाता है यहाँ पर प्लस में, और कोटर जो खत्म हुआ है कोटर उसके जगह की पूर्ति कर देता है, माने कोटर फिर से बन जाता है, और इस तरह यहाँ का परिपथ पूरा हो जाता है, तो इसमें धारा बहना शुरू हो जाता है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये इलेक्ट्रॉन देखिए बैटरी के किस सिरे से जुड़ रहे हैं, जो ये सिरा है संग्राहक, ये बैटरी के धन से जुड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, और जुड़ा है किससे? धन से। ताराम से इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। इस प्रकार से ये बैटरी यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को भेज रहा है, और ये बैटरी इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, इस तरह परिपथ पूरा हो जा रहा है। तो इसमें धारा बहता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा बहता है, चूंकि जो इसमें आवेश वाहक का काम कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन ही एक अच्छा आवेश वाहक होता है, इसलिए जो ज़्यादा उपयोग में आने वाला है, जैसे पीएनपी है और एनपीएन है, तो पीएनपी की तुलना में ना एनपीएन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों एनपीएन का उपयोग ज़्यादा होता है? क्योंकि इसमें जो आवेश वाहक है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता होती है ना, वो कोटर की तुलना में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अभी हम लोग पीएनपी पढ़ेंगे तो धारा वहाँ भी बहेगा, लेकिन बढ़िया धारा किस में बहता है? एनपीएन में बहता है। पीएनपी में उतना बढ़िया धारा नहीं बहता, धारा बहता है लेकिन एनपीएन में ज़्यादा बढ़िया से बहता है, क्योंकि एनपीएन में धारा कौन प्रवाहित कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और पीएनपी में मुख्य आवेश वाहक कौन है? कोटर है, तो कोटर की तुलना में इलेक्ट्रॉन क्या ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इसमें धारा अच्छे से बहता है, तो इसका ज़्यादा यूज होता है। लिख लिया, जान देना चित्र जब बनाना ना, तो ये उत्सर्जक है ना, तो यहाँ पर ई लिख देंगे, ठीक है, उत्सर्जक के लिए, और ये आधार है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे, और ये कलेक्टर है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? सी। अब यहाँ पर ई और बीच, बी के बीच में जो बैटरी जुड़ा है ना, इसका वोल्टेज दिखाते हैं तो भी ई बी लिखते हैं, मतलब वोल्टेज लगा है किसके इसके बीच में? ई और बी के बीच में, और यहाँ पर जो लगता है उसको भी सी बी लिखते हैं, संग्राहक और आधार के बीच में, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ धारा बह रहा है ना ऐसे, तो उत्सर्जक से जो धारा बहता है उसको हम बोलते हैं आई ई। आई तो धारा है, लेकिन ये धारा कहाँ से आ रहा है? उत्सर्जक में से। इसको बोलते हैं उत्सर्जक धारा, क्या बोलते हैं इसको? और जो धारा यहाँ पर आधार में जा रहा है इसको हम बोलेंगे आई बी, इसको बोलते हैं आधार धारा, ये क्या है? आधार धारा। और यहाँ सी में जो धारा प्रवेश कर रहा है वो आई सी है, इसको संग्राहक धारा बोलते हैं। तो उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राहक धारा।